पटाक फक्त 30 सेकंदात बातमी डाउनलोड करा तक ऍप डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंकवर आताच क्लिक करा. मागच्या कॅबिनेट मध्ये जी वाईन पॉलिसी चा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता आज त्याच्यावर सिक्कामोर्तब करण्यात आलेला आहे. जे भाजपची लोक सांगताय की हे बिवड्यांचे राज आहे त्या भाजपमध्ये सर्व जास्त दारू पिणारी मंडळी आहे. भाजपचे नेत्यांचे दारू निर्मितीचे कारखाने आहे. भाजपचे नेत्यांचे वाईन शॉप्स आहे. भाजपचे काही केंद्रीय मंत्री झालेले आहे त्यांचे बार्स आहे. काही माजी मंत्र्यांचे बार्स आहे. आमच्या म्हणणं आहे जर इतका दारूला भाजपच्या विरोध असेल तर भाजपवाल्यांनी हे सगळे परवाने सरेंडर केले पाहिजे. भाजपचे कार्यकर्त्यांनी शपथ घेतली पाहिजे की दारू पिणार नाही. त्यांच्या तर काही खासदार सांगताय की थोडी थोडी पिया करो. सर्व जास्त पिणारी जी मंडळी आहे ते भाजपमध्येच आहे आणि त्या उलट मध्य प्रदेश हे मध्य प्रदेश राहिलेला नाही तो मध्य प्रदेश झालेला आहे. तिथे ते होम बारच्या परवानगी देण्यात आलेली आहे. सर्वात कमी दारूची दुकानं कुठल्या राज्यात असेल ते तो महाराष्ट्र आहे. आणि जे भाजप शासित प्रदेशामध्ये दारूच्या बाबतीत धोरण आहे मला वाटतंय की या राज्यातले विरोधी पक्षा नेत्यांनी जाऊन जे मामाजी आहे शेजारच्या राज्यामध्ये ते मामाजीला आपले नेते जाऊन भेटले पाहिजे आणि त्यांच्या मार्गदर्शन घेऊन नंतर त्याच्यावर भाष्य केलं पाहिजे. राज्य सरकार अपनी भूमिका पर कायम है क्या? क्योंकि आज पिछले कैबिनेट में वाइन पॉलिसी को लेके जो सुपरमार्केट में स्टॉल में वाइन को बेचने की पॉलिसी पे निर्णय लिया गया था उसे आज के मीटिंग में उस पे मिनट्स को कंफर्म करके पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का निर्णय हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं. वो बताएं कि क्या तुम्हारे नेताओं के शराब निर्मिति के कारखाने हैं कि नहीं? क्या तुम्हारे नेताओं की वाइन शॉप इस महाराष्ट्र में है कि नहीं? क्या आपके माजी कई मंत्रियों के बार हैं कि नहीं? कुछ केंद्रीय मंत्रियों के बार हैं कि नहीं महाराष्ट्र में? ये सबसे पहले बताएं क्या बीजेपी सारे कार्यकर्ताओं को कहेगी कि आप अपने सारे लाइसेंस सरेंडर कर दो, आज से शराब ना पियो. आज पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शराब के काम में लाइसेंस होल्डर कारोबार में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हमें लगता है कि पियक्कड़ भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही बीजेपी के लोग पियक्कड़ हैं. जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये मध्य राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे. तो मध्य प्रदेश की पॉलिसी देखो तो मध्य प्रदेश हो गया है क्या? वहां तो घर में बाहर खोलने की परमिशन है. वहां पे तो महुआ की शराब बनाने की नई पॉलिसी बनाई गई है. उस पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगाया गया. हम विरोधी पक्ष नेता जी को कहते हैं कि मामा जी का पड़ोस में राज्य शासन वहां पे भी चला रहे हैं, मामा जी का मार्गदर्शन ले और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की पॉलिसी पे बात करने का काम करेंगे.